अब जी ये ले तो लिया है मोटर होम, मगर इसको समझने में इतना टाइम लग जाना है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस है, और मैंने सोचा आपको इसका पूरा टूर दे दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसके अंदर कितनी कितनी बारीक चीज़ें हैं, कितनी कितनी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। 94 मॉडल ये है ही तकरीबन 25 साल के आसपास पुराना, तो इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे 25 साल पहले किस लेवल की टेक्नोलॉजी होती थी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्रूज कंट्रोल है कि आप एक स्पीड ऑटोमेटिक सेट कर दें और ये उस स्पीड पर चलता रहे। 95 में हमने हिंदुस्तान में एटलीस्ट मैंने तो नहीं सुना था क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी के बारे में, तब मेरी उम्र ही कुल मिला के 9 साल के आसपास रही होगी। बाकी इसके अंदर छोटे मोटे काम है जो भी करवाने पड़ेंगे, बट मम्मी आपको ज़रा आपका कक्ष दिखा दूँ। कक्ष से मेरी मुराद कमरा नहीं है, रसोई है। मजाक नहीं तो फिर लोग बोलते हैं ये क्या कहते हैं, जो NRI लोग होते हैं या बाहर आने वाले लोग होते हैं वो अपने मम्मी पापा को अपने साथ सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि रोटी छोटी मिलती रहे। ये तो मैंने भी सुना है। तो आप इस बात की तायद करते हो, यानी कि आप एंडोर्स करते हो इस बात को? नहीं यार, मैं तो खुद ही सोचती हूँ चल कुछ खिला पिला दूँ। चलो चलो अब जी यहाँ पे ना इसका जो मेन कॉकपिट कह लें, कंट्रोल पैनल कह लें या फिर अपना ड्राइवर सीट जो भी कह लें, ये थोड़ा सा इसके अंदर फीलिंग हल्की सी अलग आती है क्योंकि इसका स्टेयरिंग थोड़ा सा बड़ा है, और मैंने चलाई तो है नहीं, अभी कल चलाऊंगा। सुना ये है कि इसका जो टर्न कट लगता है ना उसमें भी रेगुलर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी गेज तो इसके अंदर है ही, मेन तो ये है कि एयर प्रेशर का गेज होता है जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी अगर ट्रकिंग वाले बंदे को पता होगा कि जो हवा की जो सस्पेंशन की जो प्रेशर है, एयर प्रेशर या रेडिएटर के वो सारे कूलेंट ऑयल प्रेशर भगवान जाने क्या क्या होता है, टेक्निकल चीज़ें, वो बैलेंस है कि नहीं है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे जो बटन लगे हुए हैं ये सारी बड़ी काम की चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे कि आप ये मान लीजिए अभी सारे लैंप लूम के ऑप्शन इधर ही हैं, कहाँ से क्या जलाना है क्या नहीं जलाना। ये है एयर हॉर्न का, अगर ये ऑन हो तो मैं जब बजाऊँ तो स्पेशल एयर हॉर्न बजता है। अभी बजा के देखता हूँ बजता है कि नहीं, बट ट्राई मार लेते हैं। ओ बज गया ठीक है जी। अच्छा बाकी जो है यहाँ पे ये है जनरेटर रन करने की ऑप्शन। अब जनरेटर इसके अंदर क्यों है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो, अब जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, आप गए एक जगह पे, आपने किसी पार्किंग आपको मिली, आप थक गए, आपने कहा आपने सोना है, तो आपने जो है गाड़ी खड़ी कर दी अपना किसी भी वॉलमार्ट की पार्किंग में मान लीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई बाहर की नहीं है, तो इंजन पूरा ऑन करने के बजाय आप सिर्फ जेनसेट ऑन कर सकते हैं। इसके अंदर 7500 केवी के आसपास का जनरेटर है, और 7500 वॉट होते हैं कि पता नहीं जो भी है, कैपेसिटी 7500 है, उसमें ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद एसी चल जाता है, और एवरेज उसकी कुछ इस तरीके से है कि 1 गैलन पेट्रोल लगता है 12 घंटे का, तो आप पूरी रात 1 गैलन पेट्रोल यानी कि तकरीबन 3 लीटर पेट्रोल $4-5 के अंदर, $3-5 में निकाल सकते हैं। और एक कार के मुकाबले आप इसका साइज देख सकते हैं कि कितना है, और इसे जल्द ही लेकर मैं आपको कनाडा दिखाने निकलूंगा। और वो तो होगी जी जेनसेट की ऑप्शन, क्योंकि जनरेटर इसके अंदर है ही। उसके अलावा इसके अंदर एक इन्वर्टर भी है, यानी कि अगर जनरेटर ना चल रहा हो तो जो बेसिक लाइट्स हैं आप इंजन कट कर दें, और जो जैसे UPS होता है कई ऑफिस के अंदर, तो सारी अंदर की जो लाइट्स हैं किचन वगैरह की वो सारी इन्वर्टर से चलती हैं, TV तक इन्वर्टर से चल जाता है। बट अब यहाँ पे, अब जैसे हम घर में हैं और ऐसी अगर हम किसी कैंपिंग ग्राउंड में जाते हैं, अगर हमें पावर सप्लाई मिल जाए तो ये आप ये देख सकते हैं ये तार जा रही है, ये 15 amp की तार है जो मैंने गैराज के इनलेट से कनेक्ट कर दिया है, इससे डायरेक्ट बिजली इसके अंदर आ रही है, और अभी इसके अंदर फर्स्ट क्लास AC चल रहा है, सारी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चल जाएगी, और वो चलाने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी कैंपिंग ग्राउंड से मिल जाती है। जैसे अब मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं मान लीजिए वैनकूवर जा रहा हूँ, तो वैनकूवर से आधा घंटा पहले किसी हाईवे पर ट्रेलर पार्क में रुक जाऊँगा, वहाँ पर इसको पार्क कर दिया है, और वहाँ पार्क करके $30 दिए, वो इतनी अच्छी खासी जगह दे देते हैं जहाँ पे आपकी एक नॉर्मल गाड़ी खड़ी हो जाए, तकरीबन इतनी जगह होती है, आपकी कैंपर वैन खड़ी हो जाए, और पावर आपको मिल जाती है, सीवर का कनेक्शन मिल जाता है ताकि आप इसका जो
पानी है, इनलेट वो मिल जाती है कि आप पाइप डाल के शावर वगैरह ले सके उन्हीं के पानी से, और सीवर की एग्जिट मिल जाती है। तो ये बेसिकली फंक्शन है, इसलिए इसको मोटर रूम कहते हैं, बट दिस इज रियली वेरी बेसिक। और उसके अलावा इसमें ऊपर एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है जो कि इसकी बैटरी इसको चार्ज रखता है। एक तो इसके अंदर इंजन की बैटरी है, फिर इसके अंदर बाकी सामान वगैरह चलाने वगैरह की अपनी बैटरी चलाएंगे, कुल मिला के 3-4 बैटरी हैं इसके अंदर, तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें हैं। और जी अब ये इसका किचन एरिया है, मैं पहले भी आपको थोड़ा बहुत दिखा चुका हूँ, अब हम इसको थोड़ा सा नज़दीकी से अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे सोफ़ा भी है, ये सोफ़ा जो है सोफ़ा कम बेड पूरा बन जाता है यहाँ पे, तो ये एक पूरा आगे आ जाएगा। और ये गद्दियाँ इसकी बड़ी कम्फर्टेबल हैं, चाहे तो उसके ऊपर एक डबल साइज़ का या क्वीन साइज़ का मैट्रेस भी रख सकते हैं ताकि कम्फर्ट हो जाए। और जो ये वाली कुर्सी है ये रोटेट हो जाती है हर तरफ, तो अगर बैठे, और यहाँ पे ना एक रूल ये है कि सिर्फ उतने ही बंदे इसमें ट्रैवल कर सकते हैं जितनी सीट बेल्ट हो। बिना सीट बेल्ट के चलती गाड़ी में हिलना डुलना अलाउड नहीं है, ऑफिशियली करना भी नहीं चाहिए, इट्स वेरी अनसेफ। इसमें सीट बेल्ट है, इसमें 3 सीट बेल्ट है, 1-2 सीट बेल्ट इनके यहाँ है, तो अप टू 5 पीपल कैन ट्रैवल टुगेदर। और यहाँ पे अगर जैसे आप 2-3 लोग ही हैं तो ये वाला सोफ़ा जो है इसकी चेयर इधर उल्टी घूम जाती है, ये ऐसे घूम जाती है, और ये बीच में इसमें से टेबल निकल आता है जो अपना फ्लैप बन जाता है पल्ला। और आप क्या चेक कर रहे हो? मैं चेक कर रही हूँ, सीट देख रही हूँ। अच्छा, मम्मी को अपना जो आज ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी टीवी का ये है कि जो टीवी जो है इसके ऊपर ना एक डिश लगा हुआ है जो कि सैटेलाइट से चैनल कैच करता है, मगर वो सिर्फ फ्री चैनल होते हैं और वो कनेडियन होंगे तो माता जी वो देखेंगे नहीं, इसीलिए इनकी रिक्रिएशन के लिए जो है हम इसके अंदर स्पेशल हमें मिला हुआ है, एक्चुअली लगा हुआ मिला है ब्लू रे डिस्क प्लेयर, खूब सारी पिक्चरें भर के हार्ड डिस्क वगैरह में ले जाएंगे। और यहाँ पर तो जगह जगह मूवीज़ मिलती भी हैं, वो ले के माता जी का टाइम पास चलता रहेगा। और मैं आपको ना यूट्यूब प्रीमियम दिलवा दूंगा, उसमें आप अपने फेवरेट शोज़ ऑफलाइन डाउनलोड कर लेना, हर जगह चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फ़ोन का डाटा यहाँ पे काफ़ी महंगा है, इसलिए इंटरनेट पे वीडियोस अपलोड करने के लिए भी मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि वाईफाई कनेक्शन कहाँ मिलता है, बट इट्स गोना बी अ चैलेंज, वी कैन वर्क इट आउट। ये है मेन चीज आपके काम, चूल्हा। हाँ, चूल्हा क्या होता है? चूल्हा। हाँ, पंजाबी आ जाती है ना। अरे मम्मी को तो गैस वाला चूल्हा लगा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, तो इसलिए मम्मी ने फर्स्ट क्लास गैस वाला, और गैस वाला चूल्हा इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेन का सिलेंडर डलता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रोपेन बेसिकली गैस होती है, जैसे वहाँ पे एलपीजी होती है तो वो एज अ फ्यूल काम करती है उन चीजों में जिसमें हीट की जरूरत होती है। और यहाँ तक कि ये जो यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है, ये फ्रिज जब बिजली से कनेक्टेड हो तो अभी ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये जो नीचे प्रोपेन का सिलेंडर लगा हुआ है ये एज गैस को भी एज फ्यूल यूज कर लेता है। फर्स्ट क्लास। पर मनी यहाँ तो इतनी तेज हवा आ रही है। हाँ। तो चूल्हे पे तो चलेगी। अरे ये चूल्हे को ऐसे घुमा दो ना, ये अच्छा, हवा गई। अरे ठीक है, जहाँ आप जाओगे वैसे वैसे वेंट घुमा देंगे, ठीक है, हवा खाई जाओ। नहीं नहीं, ये फ्लेम उड़ गई तो ये पूरा उड़ जाएगा, ना फ्लेम नहीं उड़ने देनी। बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, पावर आउटलेट यहाँ पे सॉकेट हर जगह लगे हुए हैं, क्या आपने जो छोटी मोटी चीजें चलानी है ये। और जो चीज मेरे को अभी से दिखाई दे रही है वो दे रही है दालों की मसालों की शीशियां जो कि यहाँ आ जाएंगी ये इसके अंदर। और ये देखिए, ये मैंने देखा, मैंने ये बहुत बढ़िया चीज है। ये देख, जैसे अपने इंडिया में रसोई में है ना। हाँ। डिब्बे बोतलें, ठीक है ठीक है, चलो आपका काम तो हो गया। इसके अंदर भी तो कोई लाइट लग रही है। हाँ, आप चाहते हो आपकी दाले दूले चमके। डब्बे अच्छे लग रहे हैं। जला भी जला दिखा। जला के दिखा।
मम्मी कांच के डब्बों में आपकी पीली काली हरी दालें चमक रही होंगी। सुंदर सुंदर डिब्बे लेने हैं। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, इसके लिए तो अलग से शॉपिंग करनी पड़ेगी, सिर्फ डिब्बों से काम नहीं चलेगा। हमें अंदर के लिए गद्दे की जो कवरिंग होती है वो सारी अलग से लेनी है। बहुत सारा सामान इसके अंदर पहले ही लेके रखना पड़ेगा जो हमें रस्ते में जरूरी आएगा। वो भी प्रोजेक्ट है अपने आप में, 2 महीने के लिए तैयार करना है इसको। खर्चा होगा यार मम्मी, आप जाते हुए मत देखा करो, ठीक है ना। लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है और शनि जाते हुए अच्छा लगता है, ठीक है। ये ऐसा कि जैसे सुबह सुबह बांस मारी हो ना माता जी, तो इसको ऐसे अपना जो है यहाँ से खोलो, उसके बाद चला दो ये पंखा। ओह लाइट बंद हो गई है। हाय हाय, एकदम 15 मिनट में मामला फ्रेश, सॉरी 5 मिनट में है। ढक्कन भी तो खोलना पड़ेगा। ढक्कन खोला है ना, ये देखो ये जाली है ऊपर से, वो इलेक्ट्रॉनिक खोलता है, ठीक है ना। ये काम भूलना नहीं है सुबह। इसके अंदर भी कुछ होगा यार। खोलो खोलो। बस ये दुनिया भर की चीजों के लिए अलग से खरीदारी करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। हाँ वो कर लेंगे, चमका देंगे, चिंता नहीं। लाइट भी तो जलेगी सही से। अब जी पानी नहाने वगैरह का जो इसके अंदर सीन होता है ना, वो कुछ ऐसे होता है कि अगर तो इसके अंदर स्टोरेज का जो टैंक है उसमें पानी पड़ा हुआ है तो ये पंप है। आपको पता नहीं आवाज आएगी कि नहीं आएगी, पंप चल जाता है तो उससे ये फ्लश में पानी और हर जगह पानी आ जाता है। या फिर इसको हम एक्सटर्नल बिजली की तरह एक्सटर्नल पानी की सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं तो इसके शावर वगैरह हर चीज के अंदर पानी आ जाता है। बाकी बेडरूम तो मैं आपको कई वीडियोस में दिखा ही चुके हैं, सिंपल सा यहाँ पे एक डबल साइज का बेड लगा हुआ है और लाइटें शाइटें बढ़िया लगी हुई हैं, कबड़ वबड़ बढ़िया है। जो स्टोरेज है ना मम्मी, वो बहुत अच्छी असल में बनी हुई है कि भाई आपने महीनों के लिए जाना तो चादरें चूदरें अपनी जो है सामान वामान यहाँ पे आ जाता है। इसके गियर तो दिखा दे कहाँ है, ये इसके गियर इधर लगा हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स ऑटोमेटिक सिस्टम का, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। हाँ ये जो पावर विंडो आपने पूरी खोल ली है ना, ये हल्की सी जाम है, जब ऊपर ले जाओगे तो पता है, तो इसलिए इसको कम ही खोला करें। हाँ जैसे पुरानी गाड़ियों में होता है। आपने इसको ऐसे घुमाना है और घुमा के रखना है और ये लाल बटन दबाना है। ओ चल गया चूल्हा, मुबारक हो। दूसरे भी चलाऊं, सारे चलाऊं? ओ अच्छा, 2-3 बार करना पड़ता है सारे। मम्मी ने सारी आग इकट्ठी बालती हो। तो जी फाइनली चीज आ तो गई है। अब आगे इसका ये है कि रेडिएटर वाला काम कराना है, परसों की टायर की अपॉइंटमेंट ले ली है, जिसकी अलाइनमेंट है वो एडजस्ट करवानी है। इनमें 7-8-10 दिन का टाइम लगेगा क्योंकि मैं कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहता, वही सेफ्टी का मसला है, क्योंकि आंटी जी जो है इनको साथ लेके जाना है, तो इसीलिए सेफ्टी का खास ध्यान रखना है। बाकी वीडियो पसंद आई हो, हमारे छोटे से एडवेंचर में आप भी शामिल कर लिए हमने, अगर तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन दबाते जाइए, वीडियोज़ के अपडेट भी मिलते रहेंगे, हमें हौसला मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।